तृणमूल कांग्रेस एक ऐसा क्षेत्रीय दल जिसने भारत में राजनीति के मायने ही बदल दिए। पहले जहां ये पार्टी चुनाव जीतने के लिए बम बंदूक लूटपाट मारपीट का सहारा लेती थी, अब ऐसा लगता है कि ममता बनर्जी के नेतृत्व में ये दल परमाणु बम की ओर बढ़ रहा है। ऐसी संभावना हम इसलिए जता रहे हैं क्योंकि टीएमसी नेता के घर से परमाणु रसायन मिला है। जी हाँ, ये सच है। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलबाड़ी इलाके में तृणमूल कांग्रेस नेता फ्रांसिस एक्का के घर से एक खतरनाक और बहुमूल्य परमाणु रसायन कैलिफोर्नियम बरामद किया गया है। ये वही केमिकल है जिसका यूज न्यूक्लियर पावर प्लांट में किया जाता है और इंटरनेशनल मार्केट में इसकी कीमत है 17 करोड़ रुपए। TV9 बांग्ला ने अपनी रिपोर्ट में ये जानकारी दी है कि कैसे इस मामले का खुलासा हुआ। टीएमसी नेता फ्रांसिस एक्का का नेपाल से ज्यादा कनेक्शन दिख रहा था और उसके लाइफस्टाइल में भी काफी बदलाव लोगों ने नोटिस किए, जिससे आसपास रहने वाले लोगों को शक तो हो गया था, लेकिन कोई सवाल इसलिए नहीं कर पा रहा था क्योंकि टीएमसी नेता की राजनीतिक पहुंच अधिक थी। जाहिर है कि सरकार भी तृणमूल की ही है और ममता बनर्जी जैसे महान नेता मुख्यमंत्री हैं, तो कौन ही सवाल उठा पाता। लेकिन फिर पुलिस और NDRF की संयुक्त कार्रवाई हुई और फ्रांसिस के घर से रसायन बरामद हुआ। लेकिन सिर्फ स्टोरी इतनी ही नहीं है, बल्कि उसके घर में DRDO के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स भी पाए गए हैं। इसको लेकर अब एजेंसियां भी चिंतित हो गई हैं कि कैलिफोर्नियम जैसा बेहद संवेदनशील और खतरनाक रसायन एक आम व्यक्ति के घर में कैसे पहुंचा। लेकिन तृणमूल कांग्रेस का नेता कोई आम व्यक्ति तो नहीं हो सकता। सवाल ये होना चाहिए कि क्या पश्चिम बंगाल में अंतर्राष्ट्रीय गिरोह के साथ मिलकर कोई बड़ी साजिश रची जा रही है जिसके लिए परमाणु केमिकल का प्रयोग किया जा रहा है। एक टीएमसी नेता के पास कैलिफोर्नियम जैसे अत्यधिक खतरनाक रेडियो एक्टिव मिलना राष्ट्र सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा है। क्या इसकी जानकारी ममता बनर्जी को थी? सवाल ये भी है कि स्थानीय प्रशासन को कैसे पता नहीं चला। क्या ये लापरवाही है या जानबूझकर की गई मिलीभगत? क्योंकि DRDO के सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स का लीक होना बिना किसी मिलीभगत के संभव नहीं है। टीएमसी नेता को फिलहाल मिरिक थाने में हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। जांच में ये भी पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि कहीं कोई बड़ी साजिश तो नहीं रची जा रही थी। अब हो सकता है कि ममता बनर्जी तो इसे ये कहकर डिफेंड कर दे कि अडानी को न्यूक्लियर पावर प्लांट का ठेका न मिल सके, इसीलिए हमारे नेता अपने स्तर पर रेडियो एक्टिव केमिकल जमा कर रहे थे।